वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के ऐसे 12 इम्पोर्टेंट सवालों को जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? बहुत अच्छे सवाल हैं। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर टू, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत का नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर तीन, शेख हसीना, मानव शरीर में क्रोमोजोन की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय सॉइल में कमी है? भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर सेवन है, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर एट, भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? वीवीआई प्रश्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रथम विदेश दौरा किस देश का किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर टेन, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013। क्वेश्चन नंबर 11, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? वीवीआई सवाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पुनः 1994 में इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12,
HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे आपके लिए एक सवाल है, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पर लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और आपको बताते चले, यदि आप प्रॉपर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो शाम में हमारे 7 बजे एक एपिसोड चलता है जिनमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं सभी सेक्शन से। उस वीडियो को रेगुलर देखना ना भूले, उसे देखते ही आपको बहुत फायदे होंगे, आपके कॉन्फिडेंट लेवल पे भी असर पड़ते हैं बढ़ेंगे, तो उसे जरूर 7 बजे देखिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए क्यू फॉर यू और इसका आंसर कमेंट करना है। सवाल क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? और आपको और भी वीडियो देखने हैं तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, दिख रहे होंगे तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।